बसमलर अज़ीज़ तलबा अलकुम वरम वर्का इस वक्त जिस मौजू के बारे में मैं आपके सामने गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है तफसर बरए आप जैसा कि जानते हैं कि बुनियादी तौर पर तफसीर की दो किस्में हैं एक को तफसर बिलमासूर कहा जाता है और दूसरी को तफसीर बिल राय कहा जाता है तफसर बिलमासूर के बारे में इससे पहले यूनिट में आपने तफसर से पढ़ लिया है इस वक्त हम आपके सामने तफसर बिल राय और उसके मुतालिकात को बयान करना चाहते हैं तफसीर बिर राय कुरान मजीद की उस तफसीर को कहते हैं जो सिर्फ तफसीर बिलमासूर की मदद से ना की गई हो बल्कि हर दौर के तकाजों के मुताबिक पेश आने वाले मसाइल के हल करने में मुफसर के जाती इजिहाद की मदद से भी की गई हो तफसीर बिल राय में ज़रूरी है मुफसर मुकर शरात या असूल व जवाब पर पूरा उतरता हो अगर पूरा उतरता है तो उसकी तफसर तफसर बिर राय अलमहमूद के लाएगी अगर पूरा नहीं उतरेगा तो उसकी बयान की हुई तफसर तफसर बिलमजमूम के लाएगी तफसर बिर राय को तफसर बिल इजिहाद भी कहा जाता है तफसर बिर राय को तफसीर बिदरायत भी कहते हैं और इसे ही तफसर बिलआल भी कहते हैं बिर राय की दो किस्में हैं एक किस्म को तफसर ब्राए अलमहमूद कहा जाता है और दूसरी किस्म को तफसर ब्राय अलमज़मूम कहते हैं तफसर ब्राए अलमहमूद उस तफसीर को कहते हैं जिसमें कुरान मजीद अदीस रसूल सल अल्लास अकवाल सहाबा रिदवानल्ला मजमैन और तबिन रहा वगैरह से इस्ता किया गया हो और इसके साथ साथ नए पेश आने वाले मसाइल के हल करने में मुफ़सर के ज़ाती इजिहाद का भी दखल हो मुफसर के लिए ज़रूरी है कि वो मुक़र शरूत पर पूरा उतरता हो या उन असूल का पाबंद हो जिन ओसूल त कोलमाए कराम ने तफसर करने के लिए मुतिन कर रखा है तफसर बिरए अलमहमूद को तफसर बिरए अलमदूह भी कहते हैं इसे तफसर जायज़ भी कहा जाता है इसे तफसीर मकबूल भी कहते हैं और इसे अच्छी तफसीर के नाम से भी याद किया जाता है क्योंकि इसके अंदर उन असूल वो को ख़ खातर रखा जाता है जिन असूल की पाबंदी करते हुए जब कोई मुफसर तफसीर करता है तो उसकी तफसीर को पज़ीराई मिलना शुरू हो जाती है तफसर बाये की दूसरी किस्म को तफसर बाय अलमज़मूम कहते हैं तफसर ब राय अलमूमूम तफसर अलमज़मूम, वो तफसर होती है जिसमें कोई मुफसर बग़ैर इलम के क़ुर मजीद की तफसीर आपने नफ्स की खाश के मुताबिक, ना के कि बारी ताला की चाहत के मुताबिक करें और वो लुगत व शरीयत के कवानीन से नावाफ़ हों या कलाम्ला को आपने फासद और बिगड़े हुए मज़ब की तइ के लिए इस्तेमाल करे या कोई गुमराह कन जो हो उसकी तइद के लिए और सबूत के लिए कुरानी आयत को पेश करे और उन आयात की तफसीर जो है वह अपनी चाहत के मुताबिक करता चला जाए या वो उन आयात में दखल अंदाजी करे जिनके मफहूम व मराद को अल्लाह सुबहाना ताला ने सिर्फ और सिर्फ अपने इलम के साथ खास कर रखा है और वो पूरे वसूक व यकीन के साथ कहे के इस आयत से अल्लाह ताला की ये मुराद है या इस आयत से जो मफहम निकलता है वो मफहम अल्लाह की चाहत के एन मुताबक़ है हालांकि वो मफहम अल्लाह की चाहत के एन मुताबक नहीं होता मख्तसर ये कि मजमूम तफसीर वो है जो ख़्श नफ्स से उबरी हो और जहालत व गमराहि पर कायम हो तफसीर मजमूम की एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूँ इरशाद बारी ताला है योमा नद उल्लानासिन बे इमाम हिम जिस दिन हम पकारेंगे हर اس को उसके सरदारों के साथ किसी مفسر मुफसर ने ए کی की یوں यूँ बयान की है कि शायद से ये मुराद है कि अल्लाह सुबहाना ताला क्यामत के दिन लोगों को उनकी माओ के नामों से पुकारेगा इस जाहिल मुफस्सर ने इमाम की तफसीर उमहात से की है और ये समझा है कि लफ्ज़ इमाम उम की जमा है हालाँकि अरबी लगत इसका इनकार करती है अरबी लगत में उम की जमा उमहात आती है और इसकी दलील अल्लाह ताला का ये इरशाद है व उमहात कम मुल्दातीम यानी जिन माओ ने तुमको दूध पिलाया यहाँ उम की जमा इमाम ना होगी क्योंकि ये लुगत और शरा दोनों के केतबार से फासद और बातल है बल्कि यहाँ इमाम से मुराद वो नबी और रसूल असलाम है जिस किताबे उसकी उम्मत होगी तफसर बिर राय जो शरीयत में ममनू है उसकी दरजैल सूरतेंमाए कराम ने बयान की हैं नंबर एक तफसीर करने के लिए ज़रूरी है कि उन उलूम को हासिल किया जाए जिन उलूम का हासिल करना ज़रूरी है और जिस वक्त तक वो उलूम हासिल न हो सकें उस वक्त तक मुफसर को ये हक़ नहीं पहुँचता वह तफसीर के मैदान में दखल दे दूसरी चीज जो है वह यह है कि उन आयात की तफसीर करना जिनका इलम सिर्फ ज़ात बारी ताला को हासिल है मसला हरूफ मुकत्त आयात सिफात और मतशाब किस्म की आयात यह ऐसे अमूर हैं कि जिनका इलम सिर्फ ज़ात बारी ताला को हासिल है किसी और को हासिल नहीं है नंबर तीन अपनी बातल राय की तइद व तोसीक़ के लिए कुरान यात को दलाइल के तौर पर पेश करना और फिर उनकी तफसीर अपने नफ्स की खाश के मुताबिक करना नंबर चार आयत की तफसीर करते वक्त ये दावा करना कि यहाँ अल्लाह ताली के कल का सिर्फ़ और सिर्फ यही मतलब है जबकि उसकी कोई और दलील और कोई और शायद मौजूद ना हो ये तमाम सूरतें तफसीर बिर राय अलमजमूम में दाखिल हैं जो इस तरह की तफसीर करेगा उसके लिए दोजख की वहीद आई है तफसर बिर राय के जुआ और अदम जुआ में रामाय कराम का जो मौक़ है और जो उनके अंदर इख्तलाफ़ पाया जाता है वो असल में हक़ीक़ी नहीं है बल्कि लफ्ज़ी अख्तलाफ है जिन रुमाय कराम ने तफसर बिर राय करने से मना किया है उनकी ममानियत का तफसीर तफसर बैल अलमदूह पर नहीं होता बल्कि तफसीर तफसर बाय अलमज़मूम पर होता है और जिन जिनाय कराम ने तफसर बॉय की इजाज़त दी है उनकी इजाज़त का तफसीर तफसर बाय अलजाइज़ पर होता है ग़ैर जायज़ पर नहीं होता तफसर बे अलमहमूद के लिए क्राम ने कुछ शर्तें मुकर की हैं कुछ आलात वज़ा कर रखे हैं जिनको एक मुफसर तफसीर करते वक्त हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है अगर वो नहीं करेगा तो उसकी तफसीर जो है वो तफसीर नहीं कराएगी बल्कि उसकी ताती ख़्वाशात उसके अंदर दाखिल होती चली जाएंगी और वो शरूत जो हैं वो ऐसी शरूत हैं कि जिनके बगैर कोई भी मुफसर तफसर नहीं कर सकता और उसकी तफसर अगर हो भी जाए तो उसकी तफसीर जो है वह मरदूद हो जाएगी और कोई उसको पज़ीराई हासिल नहीं होगी वो शराइ कौन कौन सी हैं उन सब शराइ को मैं एक एक करके आपके सामने बयान करना चाहता हूँ पहली शरत जो है वो है इल्म ल़त का हासिल करना इल्म लु़त से मराज़ यहाँ अरबी ज़बान का इलम होना है अल्लाह सुबहाना व तारा ने कुर पाक को अरबी ज़बान में नाजल फरमाया तो जिस आदमी को अरबी ज़बान नहीं आती वो किसी भी सूरत में क़ुर के मानी उसके मतालब उसके मफहम को नहीं जान सकता और ना ही कुरानी आयत के अंदर जो रूहानी पहलू होता है उनसे वो आशना हो सकता है इसके अलावा अरबी से तल्लक रखने वाले जो जोमूम हैं मसलन मसला सर्फ़ इम ये दोनों इलम मुफ़िर को आते हों क्योंकि कुराने क्योंकि कुरान मजीद के अंदर बहुत से सीगें हैं जिनको अल्लाह सुबहाना वाली ने इस्तेमाल किया हुआ है इन सीगों के हालात इन सीगों की जान इनकी परख के बग़ैर एक मुफसर और एक मुतरजम जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता इल्म सर्फ का जो है वो सीगों की शनाख्त के साथ है कि ये सीगा वायद का है ग़ायब का है तस्निया का है हाजिर का है मुखातब का है वायद मतकलम का है या जमा मुतलम का है तीसरा इलम जिससे वाकफ़ होना बल्कि उसमें मायर होना मुफसर के लिए ज़रूरी है वो है ना नाहम नाह में जो चीज़ बयान की जाती है वो किसी लफ्ज के आखिरी हरूफ की कैफियत को देखा जाता है कि वो कौन सी हालत में है आया वो रफ़ी आलत में है नस्बी आलत में है या जर्री आलत में है अगर वो रफ़ी आलत में है तो क्यों है अगर नस्बी आलत में है तो क्यों है अगर जर्री आलत में है तो वह क्यों है तो इन चीज़ों के जबात और इन चीज़ों की मार्फत जो है वो जिस इलम से हासिल हो सकती है उसको इलम ना हो कहा जाता है मसला एक जुमला में आपके सामने बयान करना चाहता हूँ हम अगर कहें जा आ रशीद उन के रशीद आया अब रशीद उन के ऊपर दो पेशे हैं आखिरी अरों पर तो क्यों हैं इसलिए हैं कि रशीद जो है आने वाला है और वह फ़ाइल है फ़ाइल जो है वह अरबी ज़बान में हमेशा मरफू होता है इसी जुमले को हम अगर नस्बी हालत में तब्दील करना चाहें तो यूँ होगा राय तो रशीदन मैंने रशीद को देखा पहले जुमले में रशीदन था इसमें रशीदन हो गया ये इसलिए हो गया क्योंकि रशीद जो है उस पर मेरा देखना वाक़ हुआ है देखने वाला मैं हूँ मैं फ़ाइल हूँ और जिसको मैं देख रहा हूँ वो मफूल है और मफूल हमेशा अरबी ज़बान के अंदर मनसूब होता है यानी उसके ऊपर एक ज़बर होती है या दो ज़बरें होती हैं इसके अलावा मुफसर के लिए जिस इलम का जानना ज़रूरी है वो इम बलागत है इलम बलागत जो है वो तीन उलूम पर मुश्तमिल होता है एक को इल्म मानी कहते हैं दूसरे को बयान कहते हैं और तीसरे को इल्म बदी कहते हैं इसके अलावा एक और इलम है जिससे आशिना होना मुफसर के लिए बहुत ज़रूरी है और उसका ताल्लुक जो है बर रास्त कुरान पाक से है वो है इल्म करात और तजवीद इल्म करात और तजवीद एक ऐसा इलम है जिसको कुरान पाक की तलावत करते हुए अगर इस्तेमाल किया जाए तो तलावत के अंदर हुसन और ख़ूबसूरती पैदा हो जाती है और तफसीरों के अंदर कराम ने बाकायदा तौर पर एक उसूब को इस्तेमाल करते हुए कुरान पाक की याद की तफसीर की है वो उसलूब है कारी का उसलूब और अल तजवीद का उसलूब सातवें नंबर पर जो शर्त आती है वो उस इलम के साथ ख़ास है जिस इलम का ताल्लुक बर रास्त हजूर सलातम के साथ है और नबी आई सलाम ऐसी ज़ात हैं कि जिनके अकवाल जिनके अफहाल जिनके के हमारे लिए उस हसना हैं और नबी आई के बारे में अल्लाबहाना व तरमाया लक़त काकुम फी रसूल है उस वत हसना और उसवःः हसना जो है ये असल में नबी आलातम की चलती फिरती तफसर थी उस वक्त और इस वक्त भी हमारे लिए मौजूद है और अल्लाह सुबहान आप देखें कि कुरान पाक के अंदर ये नहीं कहा लक़द का नकुम लक़द का नकुम फिलकुरआन है उस वत हसनँ और ना ही अल्लाह ताला ने यह फ़रमाया है ल का नकुम फ़िल्ला उस वत हसन लक़द कान अलकुम फ़ी रसूल उस वतुन हसन फ़रमा कर तो नबी आयसम की ज़ात को हमारे लिए एक मसाली नमूना के तौर पर पेश कर दिया और मुफ़र के लिए ज़रूरी है कि वह नबी आ की अहदीत से आशना हो इसके अलावा मुफ़र के लिए यह भी जरूरी है कि नबी आलातम की अहदीत की हिफाजत के लिए जिन उलूम को ईजाद किया गया कराम ने और रसूल ने कम वैश उनकी तादाद डेढ़ सौ तक बताई है वह ऐसे हैं जिनको सिर्फ़ नबी आलातलम के फरमुदात, नबी आल सलामाम के अफ़ाल नबी आलतम की तक़रीरात और नबी आलातम के शब रोज़मात को महफूज करने के लिए ईजाद किया गया तो एक मुफसर के लिए ज़रूरी है कि वलूम पर मुकम्ल गिरफ्त रखता हो और उनसे बाकायदा तौर पर वो आशना हो क्योंकि तफसीर करते वक्त जैसा कि आपने पढ़ा है और आप जानते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की अदीस को पुरानी याद की तफसीर के तौर पर पेश किया जाता है और नबी अलैहिस्सलाम की अदीस तो हैं ही इस कायन में पहली तफसर इसके अलावा एक मुफसर के लिए जिस इलम का जानना ज़रूरी है उसको इलम असूल दीन कहा जाता है इलम असूले दीन को असल में इल्म कहते हैं इसी को इल्मात कहते हैं कलाम एक ऐसा इलम है जिसमें तीन चीज़ों को बयान किया जाता है एक को इलाहियात कहते हैं दूसरे को नबुवात कहते हैं और तीसरी चीज़ को समयात कहते हैं इलाहियात से मुराद अकीद तोहीद है नबुवात से मुराद अकीद रसारत याद नबूत है और समयात से मुराद अक़ीद आखरत है अल्लाह सुबहान तरह कुरान पाक के अंदर अमली अहकाम के बारे में आयात को बयान किया है इसी तरह अल्लाह अल्लाहान व ताली ने कुरान पाक के अंदर एतकादी अहकाम को भी बयान किया है और ये एतकादी अहकाम जो हैं ये असल में इल्म कलाम में बयान होते हैं जैसा कि आपको इलम है कि आपने हजरत शाह वली मुहदस दिलवी रही के तफसीरी रुझान में एक रुझान के बारे में पढ़ा है जिसका नाम उन्होंने मतक्लिमीन का रुझान रखा है मतकलम उनमाय कराम को कहा जाता है जो जोाय कलाम में महारत आसर रखते हैं जैसा कि मैंने अभी आपके सामने बयान किया है कि अल्लाह व ने जिस तरह कुरान पाक के अंदर अमली अहकाम को बयान किया है साथ साथ साथी अहकाम को बयान किया है तो अमली अहकाम जिस इलम के अंदर बयान होते हैं उस इलम को इल्म फ़िक कहते हैं इल्म फिक की तारीफ़ उमाए और फिक ने यूँ की है उलमालफिक होलिल बिलहकाम अश्शर्यामलिया अलुकसबा बन अदिलत आ तफसीली यानि फ़िकन व हदीस के अमली अहकाम के ऐसे इलम को कहते हैं जिन अहकाम को कुरान मजीद और अदीस रसूल वसल्लम से माखूज किया जाता है इस्तेमाल किया जाता है और उसका इस्तराज किया जाता है इसके अलावा एक इलम है जिसको को मुफसर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है उस इलम का नाम है इल्माफ़िकसूल फ़िक से मुराद ऐसे क़वायद और याबत हैं जिनको इस्तेमाल करके कुरान मजीद की कुरान मजीद से अदीत से और दीगर जो शरीयत के दलाल हैं जो मसादर हैं उनसे उन असूलों उन की रोशनी में अहकाम का इस्तेमाल किया जाता है और ये इस्तेमाल जो है जिस इलम की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए किया जाता है उसको इलम असूल फ़िक कहते हैं इसके अलावा जिस इल के बारे में एक मुफसर के लिए आशनाई ज़रूरी है वो है नासिक और मनसूख आयात की मार्फत नासिक और मनसूख आयात कुरान पाक के अंदर पाई जाती हैं नासिक फाइल के वजन पर है और मनसूख मफूल के वजन पर है नासिक मटाने वाला मनसूख जिस चीज़ को मटाया जाए आपने क़बीर में पढ़ा होगा कि हजरत शाह वली महद्दस ने कुरान फामी में जो दुशवारियाँ पेश आती हैं उनमें से उन्होंने एक दुशारी को पेश किया है जो दुशारी है नासिक और मनसूख हयात की अदम मार्फत और इसमें मतकदम असूलिया और मुतान की अतलाहों की अदम मार्फत तो एक मुफसर के लिए ज़रूरी है क्योंकि वह कुरान की तफहीम करना चाहता है कुरान पाक की तफसीर करना चाहता है क़ुर पा की तोी करना चाहता है तो उसे उसके लिए जरूरी है कि वह नासिक और मनसूखा हयात से वाकफ़ हो और नासुख और मनसूख हयात के बारे में मतकदम उ और मुतान ने जो इसरा वज़ा की हैं उनसे बखूबी आशना हो एक और इलम है जिससे मुजिन होना एक मुफसर के लिए ज़रूरी है उसे वाह भी इलम कहते हैं वाह भी इलम जो है ये अल्लाह ताली की तरफ से अताशुदा होता है ये अल्लाह ताली जिसे चाहते हैं अता फरमा देते हैं उस वह भी इलम की बुनियाद पर जब मुफसर कुरान पा की तफसीर करना लगता है तो अल्लाह सुबहाना वाली उसके लिए रास्तों को खोल देते हैं और वो तफ़ीर करता चला जाता है और लोग उसकी तफसीर को देखकर खुश होते हैं और उसकी तफसीर को जो है पीराई मिलती है और कबूलीत का दर्जा हासिल कर लेती है इसके अलावा मुफसर के लिए ज़रूरी है कि वह कुरानी मुफरदात और उनके मानी और मतालब से वाक़ हो कुरान पाक के अंदर बाज ऐसे अल्फाज हैं जो मुबम किस्म के होते हैं जिनके मानी जो हैं वो बज़ाहिर नज़र नहीं आते लेकिन उन मानी की अशनाई के लिए लगत को इस्तेमाल करते हुए उन अशनाई हासिल की जा सकती है तो एक मुफ़र के लिए ज़रूरी है कि कुरने पाक के अंदर जितने भी असलीब इस्तेमाल किए गए हैं उन असलीब को वो जाने और उनमें पूरी महारत हासिल करें हासिल करने के बाद फिर तबसर करना शुरू करे इसके अलावा कुरान पाक की तफसर करने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो नबी आसलातम की सीरत से आशना हो क्योंकि नबी आई की सीरत ही असल में तबसीर है इसके अलावा सबाबाक कराम रिदवानल्ला तजमयन के अहवाल और उन्होंने जो खिदमत अंजाम दी हैं उन खिदमत से वो आशना हो अगर आशना होगा तो तफसीर में इस्तेमाल करेगा अगर नहीं होगा तो वो तफसीर में उनको इस्तेमाल नहीं कर सकेगा एक मुफसर के लिए ये भी ज़रूरी है कि वह अपने से पहले जितने भी मुफसरन गुजरे हैं उनकी आरा से उनके अस्तहाद से और उनके जो फरमदात हैं उनकी जो खदमात हैं उनसे वो बखूबी आशना हो मुफ़र के लिए यह भी ज़रूरी है कि वह सदर इस्लाम की तारीख से वाकफ़ हो तारीख़ किसे कहते हैं तारीख़ कौमों और उमतू के रूज व की ऐसी दास्तान को कहा जाता है जिसकी आइना में हम माजी के हालात को मुस्तबल में व आसानी देख सकते हैं तो एक मुफसर के लिए ज़रूरी है कि वह उस तारीख़ से आशना हो जिस तारीख का ताल्लुक मक् से है मदीना से है जिस तारीख का ताल्लुक़ क़ुरान मजीद की उस अर्ज से है जिस अर्ज़ पर अल्लाह सुबहाना व वा वाली ने कुरान मजीद को नाजिल फ़रमाया तफसीर ब राय में गलती की दो वजूहत हैं यानी तफसीर राय में ग़लती दो वजह से पैदा होती है पहली वजह यह है कि मुफसर का एक ख़ास अकीदा हो और वो क़ुरान के अल्फाज को उस अपने अकीदा के ताबे बनाकर रख दे दूसरी वजह यह है कि कुरान करीम के अल्फ़ को सिर्फ लघवी और ज़ाहरी मफहम मराद लिया जाए दूसरी वजह यह है कि क़ुरान करीम के अलफ़ का सिर्फ़ लगवी और ज़ाहरी मफहम मुराद लिया जाए और ये ना देखा जाए कि ये किसने किस पर और किस मकसद के लिए नाजल किए हैं अब मैं आपके सामने ये बयान करना चाहता हूँ कि तफसीर में ग़लती से बचने का कौन सा उसलूब है कि वो कौन सा तरीका है जिनको इस्तेमाल करते हुए एक मुफसर जो है वो तफसर के मैदान में गलतियों से अपने आप को बचा सकता है मुफसर के लिए ज़रूरी है कि वो चंद अमूर से इजतनाब करे ताकि तफसीर में गलती का मरतकब ना हो वो चंद अमूर दर जैल हैं नंबर एक जो शख्स कवानीन लुत असूल शरीत और दीगर ज़रूरी ूम से वाक़ ना हो उसे क़ुर करीम की तफसीर करने से बचना चाहिए इजनाव करना चाहिए नंबर दो आयात मतशाबहत और इस किस्म की दीगर आयात जिनका माना व मफहम अल्लाबहाना व सिवा कोई नहीं जानता उनकी तशरी व तोज़ी से परहेज़ करना चाहिए इसलिए कि ये इसरारि हैं जिनका इलम अल्लाह तला के साथ मखसूस है नंबर तीन तफसर कुरान में जाती पसंद और नापसंद को दखल नहीं देना चाहिए यानी मुफसल के लिए ज़रूरी है कि जब वो तफसीर करना चाहे तो उसमें अपनी पसंद और नापसंद को दाखिल ना होना दे बल्कि वो एक ऐसे शख़्स के तौर पर तफसीर करे कि जो इस तरह का हो मालूम हो कि ये गैर जानबदार किस्म का आदमी है और उन हकायक को बयान करता चला जा रहा है जिन हकायक का तकाजा अल्लाह ने आपने कलाम में कर रखा है नंबर चार कुरानी आयात को तोड़ मरोड़ कर आपने गलत मज़हब किताबें नहीं बनाना चाहिए नंबर पाँच पूरे वसूख के साथ यूँ कहना चाहिए कि फ़लाँ आयत से मुराद अल्लाह सुबहान यही है और अल्लाह ताल इस मफहम को ही पसंद करते हैं हालाँकि इसकी कोई दलील न हो शर्न ऐसा करना ममनू है अज़ीज़ तलबा जेरबाज़ मौजू से ताल्लुक़ रखने वाला कोई सवाल अगर आपके जेन में उबर रहा है तो आप मुझसे पूछें मैं इन शमकद कोशिश करूँगा कि आपका सवाल जो है उसका जवाब दे सकूँ सर मेरा सवाल ये है कि तफसर बिर राय की कितनी किस्में होती हैं जरा वजात फरमा दें तफसीर बिर राय की बुनियादी तौर पर दो किस्में हैं एक को तफसर ब्राए अलमहमूद कहते हैं दूसरी को तफसर ब्राए अलमजमूम कहते हैं पहली किस्म को तफसर ब्राए अलमदूह भी कहते हैं इसी को अच्छी तफसीर कहा जाता है इसी को जायज़ तफसीर कहते हैं इसी को मकबूल तफसीर कहते हैं जब के मुकाबला में तफसीर मजमूम जो है इसको बुरी तफसीर कहते हैं इसको मजमूम तफसीर कहते हैं इसी को ग़ैर मकबूल तफसीर कहते हैं इसी को गैर जायज़ तफसीर के नाम से याद किया जाता है सर मेरा आपसे सवाल ये है कि तफसीर बिर राय की नुमाइंदा कुतब कौन कौन सी हैं तफसीर बिल राय की नुमाइंदा कुतब दर जैल हैं नंबर एक ग़ैब, ये इमाम राजी राहमुल्ल की तफसर है इमाम राजी की वफ़ात छः सौ छः इजरी में हुई इनकी तफसीर का मशहूर नाम आ तफसर अलकबीर है नंबर दो अनोार व तंजील व असरारवील इसे तफसीर बेजावी के नाम से याद किया जाता है इसे इमाम अब्दुल्ला इबिनुमर अल्बेवी अशाफी राहम्ला जिनकी वफ़ात छः सौ पचासी हिजरी में हुई उन्होंने इस तफसीर को लिखा नंबर तीन मदारक व तंजील व हक़ाक व तावील इसे तफसीर नसफी के नाम से याद किया जाता है इसके मल्फ़ जो हैं वो इमाम अबू अलबरक़ात अब्दुल्ला अबन अहमद इबन महमूद अनस्फ़ी अलफ़ी हैं इनकी वफ़ात सात सौ एक हिजरी में हुई नंबर चार लबाबील फीमान य तंज़ील इसे तफ़िर खाजन के नाम से याद किया जाता है इसे इमाम खाजन ने तालीफ किया इमाम खाजन रखमल्ला की वफात जो है वो सात सौ इकतालीस हिजरी में हुई यह तफसर बिर्राए की चंद एक नुमाइंदा कुतुब के नाम हैं इसके अलावा और भी बहुत सारी किताबें हैं जिनका तल्लक जो है तफ़ीर की इस किस्म के साथ है व आखिर दावाना